साइकिल बिन से डिलीटेड डेटा को कैसे रीस्टोर कर सकते हैं और लैपटॉप को फ्लाइट मोड में रखने के बाद क्या फ़ायदा होता है, इस वीडियो में जानेंगे। सो हे गाइस, वेलकम टू द टॉप 10 ट्रिक्स जो कि आपको जानना चाहिए अगर आप एक लैपटॉप यूजर्स है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंट्रोल प्लस टी के बारे में। तो बेसिकली अभी चल रहा है लॉकडाउन, हम सभी जो है ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और हम सभी अपने ब्राउजर को यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर जब हमें कोई न्यू टैब ओपन करना है, जैसे कि व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेजेस आ रहा है, कौन सी क्लास का जो है लिंक आ चुका है मीट करने का, तो वहाँ पर जो है हम लोग को बार बार अपने स्मार्टफोन को उठाना पड़ता है कि हाँ इस तरह का मैसेज आ गया, अब मुझे ये क्लास ज्वाइन करना है। तो आप सोचते हैं कि मैं लैपटॉप में ही एक नया टैब खोल लेता हूँ और वहाँ से जो है ज्वाइन कर लूँगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि आप जाते हैं मैन्युअली अपने माउस से उस प्लस वाले बटन पे, लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस टी और आपका नया टैब खुल के तैयार है और उसके बाद जो है आप अपने टास्क को आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा होता है ब्लंडर, जो कि है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पूरे ऐप को या फिर पूरे क्रोम ब्राउजर को एक बार में क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि वो टैब्स बहुत ही इम्पोर्टेंट था और अब मुझे उसी को देखना है कि मेरे पास कौन कौन सी टैब्स थी। तो आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी और उसके बाद आपकी सभी टैब्स वहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि हमें कैट का इमेज चाहिए, हम लिखते हैं कैट इमेज और हम उसे डाउनलोड करने के लिए वहाँ पर जाकर राइट क्लिक करते हैं और फिर वहाँ पर जाकर सेव पर क्लिक करते हैं और वो जो इमेज है वो हमारे लैपटॉप में सेव हो जाता है। तो आपको यहाँ पर मैन्युअली जाकर राइट क्लिक नहीं करना है, आप जो है सीधा दबा सकते हैं अल्ट और लेफ्ट बटन। तो आप जैसे ही प्रेस करेंगे अपने अल्ट और माउस के लेफ्ट वाले बटन को, तो आपका जो इमेज है वो सेव हो जाएगा आपके लैपटॉप में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है और सभी लोगों को ये जानना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है एयरप्लेन मोड। यहाँ पर क्या है कि आप अगर अपने लैपटॉप में एयरप्लेन मोड कर अपने लैपटॉप को चार्ज करते हैं तो वो बहुत ही फास्ट चार्ज होगा। जैसे कि आपका लैपटॉप मान लीजिए 1 आवर में फुल चार्ज होता है, ठीक है, अगर आप उसे एयरप्लेन मोड में डालकर चार्ज में लगाते हैं तो आपका लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 मिनट के बीच चार्ज हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है इसमें कि आप अपने लैपटॉप को जब एयरप्लेन मोड में डालते हैं वहाँ पर आपकी जो वाईफाई है, आपकी जो ब्लूटूथ है, वो सभी डिसेबल हो जाती है। तो वहाँ पर लैपटॉप को बहुत ही कम वर्क करना पड़ता है और आपकी लैपटॉप जो है वो बहुत ही स्पीडली चार्ज होती है और उसके बाद जो है आप अपने लैपटॉप में डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक बहुत ही अमेजिंग फीचर और एक अमेजिंग ट्रिक जो कि है F.Lux। अब ये क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम लैपटॉप को दोपहर में यूज़ करते हैं क्लास करने के लिए और भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए, बट जैसे ही रात होता है तो हम लोग लैपटॉप में कुछ मूवीज़ देखते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो वहाँ पर आपकी ब्राइटनेस लेवल बहुत ज़्यादा होगी तो आपकी आँखों पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं F.Lux को, वहाँ से क्या होगा कि आपका जो लैपटॉप का ब्राइटनेस लेवल F.Lux ऑटो ब्राइटनेस पर रखता है कि जैसी आपकी इन्वायरमेंट है उस हिसाब से जो है अपने ब्राइटनेस को वो चेंज करते रहता है और उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। ये ट्रिक आपके लैपटॉप को बहुत ही स्पीड करेगा और आपकी लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा मक्खन चलने वाली है। तो बेसिकली आप अपने डेस्कटॉप को क्लीन रखें, क्लीन का मीन्स कि उस पर कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं आती है बहुत ज़्यादा। हम लोग क्या करते हैं कि लैपटॉप के डेस्कटॉप पर ही जो फाइल्स है, कुछ मूवीज़ है वहीं डाल दो, कुछ फाइल्स है वहीं डाल दो और भी कुछ फ़ोटोज़ है वहीं डाल दो, मतलब जो है जो भी आता है सब डेस्कटॉप पे रहेगा, क्योंकि हमें बहुत ही कन्वीनियंट फील होता है कि हाँ अब मैं अपने डेटास को बहुत ही देख पा रहा हूँ कि हाँ ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है और उसके बाद मैं अपने काम को बहुत ही स्पीडली कर पाता हूँ, उससे आपकी लैपटॉप की स्पीड बहुत ही घट जाती है। ये वाला सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही हेल्प करेगा जब आप कोई ब्लंडर करते हैं, तो जैसे कि आपका कोई फाइल है आपने उसे रखा है रिसाइकिल बिन में, डिलीट करके वहाँ रखा हुआ है और बाय द चांस अगर वहाँ से भी वो गलती से डिलीट हो जाता है तो आप क्या करेंगे, एक ऐप है RECUBA, रिकुभा, आप उसे इंस्टॉल करें और उसके बाद जो है आप अपने उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हु इज़ ऑन माई वाईफाई, आपके वाईफाई कौन कौन यूज़ कर रहा है, आप उसे देख सकते हैं इस वाले एप्लीकेशन से जिसका नेम है हु इज़ ऑन माई वाईफाई।
तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा जब आपका डेटा कोई चोरी कर रहा है आपसे बिना पूछे। उसके बाद अगर आपको बात करना है अपने कोर्टाना से, या फिर अगर आप एक मैकबुक यूज़र हैं आपको बात करना है अपने सीरी से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं Ctrl+C, और अगर आप एक मैक यूज़र हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं Command+C, Ctrl+Q के बारे में। तो किसी ब्राउज़र पे हैं, आपको वहाँ से क्विट होना है, तो आप वहाँ पर प्रेस कर सकते हैं Ctrl+Q। बस एक और की है जो की है Ctrl+I। आप किसी वेबसाइट पे हैं, आपको उसका जो लेटर है उसको करना है इटैलिक, तो आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं Ctrl+I, आपका वो सभी लेटर जो है वो इटैलिक हो जाएगा और उसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ये थी टॉप 10 सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो कि आपको जानना ही चाहिए अगर आप एक लैपटॉप यूजर्स हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, उससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है यहाँ पर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।